अब GTA 6 तो आने नहीं वाला 2 साल तक, एंड तब तक GTA फैंस को GTA 5 खेल के ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन GTA 5 का स्टोरी मोड तो भाई इतनी बार कंप्लीट कर लिया है कि उसमें मजा ही नहीं आता। मैं खुद 2-3 बार कर चुका हूँ, इसलिए फिर ऑप्शन बचता है GTA ऑनलाइन। एंड दूसरा ऑप्शन जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो है रोल प्ले। तो ये 2 गेम्स खेले जा सकते हैं, लेकिन बात आती है कि इनमें से अच्छा कौन सा है। इसलिए ये आज की कंपैरिजन वीडियो बनाई है, जिसमें मैं GTA ऑनलाइन एंड रोल प्ले का कंपैरिजन करने वाला हूं। अब रोल प्ले सर्वर्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बेस्ट रोल प्ले सर्वर ग्रैंड आरपी को GTA ऑनलाइन से फेयर कंपेयर करूंगा। फिर इसलिए मैं एक साइड बायस होकर नहीं बोलूंगा, बल्कि आपको GTA ऑनलाइन एंड ग्रैंड आरपी दोनों की अच्छी एंड बुरी बातें पता लगेंगी, एंड एंड तक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या खेलना चाहिए। तो देरी किस बात की, अच्छा लाइक बटन नहीं दबाया तो ऐसा ना करो भाई, 15,000 लाइक्स के बाद उस वीडियो पे एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। बाकी शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कैसे खेलना है। तो GTA ऑनलाइन के लिए तो अपनी GTA 5 में ऑनलाइन में जाओ एंड वहां से ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके अलावा ग्रैंड आरपी खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पे क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर करो एंड डाउनलोड करो, बस अब आप खेलना स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है प्लेटफॉर्म्स की, जिसका मतलब ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेल सकते हो। अब हाँ, दोनों के लिए आपको GTA 5 खरीदना पड़ता है, क्योंकि GTA ऑनलाइन फ्री आता है विद GTA 5 और ग्रैंड आरपी फ्री सर्वर है, पर उसके लिए ओरिजिनल GTA 5 चाहिए होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म सपोर्ट में तो क्लियर विनर निकल के आता है हमारा GTA ऑनलाइन, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि आप GTA ऑनलाइन को PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS एंड PC या लैपटॉप पर भी खेल सकते हो, पर GTA 5 ग्रैंड आरपी में वो चीज पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ PC या फिर लैपटॉप पे ही चलता है, कंसोल्स पे नहीं, और फ्यूचर में आएगा या नहीं वो भी डिपेंड करता है रेज MP पे, क्योंकि ग्रैंड आरपी चलता है रेज MP प्लेटफॉर्म पे, एंड अगर वो कभी कंसोल पे आया तब ये चल पाएगा, जिसके मुझे चांसेस लगते नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि भाई कौन सा ज्यादा बेटर GTA लगता है। GTA की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ओपन वर्ल्ड, क्राइम, फ्रीडम, रियलिज्म एंड सरकाज्म, ये सब क्वालिटीज हमें ऑलमोस्ट सभी GTA गेम्स में देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें GTA ग्रैंड आरपी की, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है कैसे भी खेलने की, पुलिस बन जाओ, गैंग वॉर्स कर लो या माफिया फैमिली बना लो। फिर रियलिस्टिक तो कुछ ज्यादा ही है, आपको गाड़ी चलाने के लिए भी लाइसेंस लगता है जो हर महीने एक्सपायर भी होता है। तो सभी कुछ है इसमें सिवाय सरकाज्म के, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें कोई स्टोरी नहीं है, ऑब्वियसली रोल प्ले में स्टोरी कहां से होगी। इसलिए जो GTA का सरकास्टिक नेचर है ना, ये लोग अमेरिकन कल्चर है, लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, वो चीज इसमें नहीं है। उधर GTA ऑनलाइन में सरकाज्म फ्रीडम तो है बट रियलिज्म नहीं है। जी हाँ, आपको शायद एकदम से विश्वास ना हो, पर जिस हिसाब से रॉकस्टार फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स डाले जा रहे हैं ना उस गेम में, तो गेम की रियलिज्म कम हो रही है। उड़ने वाली कार्स, बाइक्स, फिर लेजर वेपन्स, अरे सब GTA यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करते, तो क्या जरूरत है GTA ऑनलाइन में डालने की। और इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ग्रैंड आरपी और ऑनलाइन के बीच में टाई हो गया है। देन ऑनलाइन गेम्स की खास बात होती है नए लोगों से मिलना एंड ऑनलाइन दोस्त बनाना। जो भी लोग BGMI या फिर फ्री फायर खेलते हैं वो ये बात इजीली समझ गए होंगे कि कितने दोस्त तो हमें बस ऑनलाइन मैचेस खेलते हुए ही मिले हैं, जो कि सेम टीम में थे। एंड कुछ तो ऐसे दोस्त हो गए हैं जो भले ही दूसरी स्टेट या फिर कंट्री में रहते हैं, पर उनसे रियल लाइफ में मिलने का मन करता है, एंड वो चीज इजीली हो जाती है ग्रैंड आरपी में, क्योंकि रोल प्ले बिना इंटरेक्शन के वर्क नहीं करेगा। अगर आप कोई गैंग ज्वाइन करते हो या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, मेडिक्स, फैमिलीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, सभी में आपको काफी इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। आप उन लोगों से बात करोगे जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करवाएंगे, या अपने सीनियर से या जूनियर से बात करोगे, तो ऐसे में आपको कुछ नए दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। मगर GTA ऑनलाइन में सिस्टम नहीं है, वहां तो आपको गेम के मजे लेने के लिए अपने दोस्त चाहिए जिनके साथ आप हाइस्ट कर सको या फिर रेसेस कर सको। अगर रैंडम्स के साथ करोगे तो भाई दोस्त बनना तो दूर, वो मिशन ही पूरा नहीं हो पाएगा, हमेशा कोई ना कोई छोड़कर चले जाता है, मिशन बीच में अटक जाता है। तो सोशल इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं ग्रैंड आरपी बढ़िया है, बल्कि इतना बढ़िया कि उसमें आप शादी भी कर सकते हो। और इसलिए खेलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर रजिस्टर कर लो, सो दैट आप इसे डाउनलोड कर पाओ फॉर फ्री एंड मजे भी उठा पाओ। किसी भी ऑनलाइन या फिर मल्टीप्लेयर गेम में ग्राइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये हार्ड वर्क है जो आपको करना पड़ेगा प्रोग्रेस करने के लिए। जैसे कि आप लोग BGMI या फिर वैलोरेंट में रैंक पुश करते ही होंगे एवरी सीजन या फिर एवरी एपिसोड में, तो ये एक तरह से सेम काम ही होता है जो हमें बार बार करना पड़ता है। अब ये अच्छा फीचर है या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट फीचर जरूर है, क्योंकि ऐसे ही कंपनीज पैसा कमाती है मल्टीप्लेयर गेम से, क्योंकि जो आलसी लोग होंगे वो ग्राइंड करने की जगह गेम में पैसे खर्च करेंगे आइटम्स अनलॉक करने के लिए। स्टोरी बेस्ड गेम्स में ग्राइंड का कोई सेंस नहीं बनता एंड होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो गेम प्ले एंड स्टोरी को एंजॉय करने के लिए होते हैं। वो बात अलग है कि आजकल एसी वेल हेलर जैसे स्टोरी गेम्स में भी बहुत ग्राइंड होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं GTA ऑनलाइन एंड ग्रैंड आरपी की, तो भाई सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि ग्रैंड आरपी में ग्राइंड बहुत ज्यादा है एंड कभी कभी इरिटेटिंग भी लग सकता है। मतलब कि जब आप अपना गेम खेलना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए, ताकि आप गाड़ियां, घर और बिजनेसेस खरीद पाओ। ये मेहनत GTA ऑनलाइन में भी है, पर उसमें एटलीस्ट आपको फ्री का घर, गाड़ी या बिजनेस तो मिल जाता है, पर ग्रैंड आरपी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ्री में किराए का स्कूल
स्कूटर मिल जाएगा, पर उससे भी ज्यादा क्या ही कर लोगे। ऊपर से यहाँ सब कुछ इतना महंगा है कि भाई क्या ही बताऊं। सिंपल स्किल अपग्रेड्स करने के लिए भी मिलियंस में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और बेसिक स्किल पे तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, जैसे कि $100 या फिर $500। अगर ग्रैंड आरपी में भी सबको एक फ्री गाड़ी, घर या फिर बिजनेस वगैरह मिल जाए ना स्टार्टिंग में, तो मजा ही आ जाएगा। बाकी खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, क्योंकि जिन लोगों को ग्राइंड पसंद है उन्हें चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक सिटी में आए हैं, नए हैं एंड 0 रुपीज से स्टार्ट करके अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं, उसका भी अपना ही मजा है। तो मैंने ग्राइंड की बात कर ली कि आपको स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए काफी बेसिक से मिशंस करने पड़ेंगे, पर सवाल आता है कि आखिर मिशंस है किसके बढ़िया। एंड यहाँ मैं बेसिक मिशंस की बात कर रहा हूँ, ना कि हाइस्ट की। जैसे कि GTA ऑनलाइन में काफी सारी बेसिक जॉब्स आप खेल सकते हो जिनसे पैसे कमा पाओगे। फिर लमार जैसे करेक्टर्स भी आपको मिशंस देते रहते हैं जिन्हें करके आप $5,000-$10,000 कमा सकते हो, वो भी 10 मिनट में। पर ग्रैंड आरपी में सीन थोड़ा अलग है, उसमें बेसिक मिशंस के तौर पर आपको जॉब्स दी जाती है करने को, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की या फार्मर, डिलीवरी मैन, कलेक्टर एटसेट्रा। अब इतने सारे जॉब्स होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि GTA ऑनलाइन में भी काफी मिशंस की वैरायटी है। पर ग्रैंड आरपी की एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, और वो ये है कि आफ्टर सम टाइम ये जॉब्स बहुत ज्यादा रिपेटेटिव एंड इरिटेटिंग लगने लगती हैं। ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव फीलिंग है, बिकॉज इलेक्ट्रीशियन की जॉब में वो वायर्स मैच करके मेरा दिमाग खराब हो रहा था, जबकि मेरे दोस्त उसे आसानी से कर पा रहे थे। मेरे को तो गेम बंद करने का मन कर रहा था। एंड दूसरी जॉब्स में भी आप पूरे दिन स्लो व्हीकल चलाते रहोगे, पौधों में पानी देते रहोगे या फिर खुदाई कर रहे होगे। एंड ऐसे में GTA ऑनलाइन के बेसिक मिशंस थोड़े से बेटर लगते हैं, क्योंकि वहां आपको एटलीस्ट शूटिंग के मिशंस तो मिल रहे हैं, रेसेस भी कर सकते हो आप या फिर गैंग वॉर्स में पार्ट भी ले सकते हो। हाँ, पैसे कमाने के लिए आपको उन्हें भी बार बार ही करना पड़ेगा, पर थोड़े से बेटर है। तो इस सेंस में GTA ऑनलाइन बेटर है देन ग्रैंड आरपी। देन बात करते हैं कि गेम में स्कोप क्या है, मतलब आप कितना कुछ कर सकते हो, कितनी फ्रीडम है। और इस पॉइंट में तो ग्रैंड आरपी क्लियर विनर है, क्योंकि GTA ऑनलाइन जो रेगुलर खेलते हैं वो क्या करते होंगे, या तो रेसेस खेल लेंगे या फिर हाइस्ट कर लेंगे या फिर अपने बिजनेसेस के मिशंस करते रहेंगे, यानी कि सरप्राइज एक जगह से दूसरी जगह लाना, उन्हें पूरा करना और वेट करना कि वो कब बने एंड फिर उनको सेल करके आना। तो एक पॉइंट के बाद ऑनलाइन बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है एंड रिपीटेटिव भी, क्योंकि हर बार अगर आप सेम मिशन कर रहे हो, और इवन इसमें मेजर अपडेट्स भी बस साल में 2 बार ही आते हैं। इवन अगर आप इसकी सारी हाइस्ट भी एक साथ करने बैठो ना, तो 2-3 हफ्तों में निपटा दोगे एंड बाद में कहोगे भाई अब मैं क्या करूं। पर ग्रैंड आरपी में सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक तो ऑलरेडी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको कुछ नहीं पता कि रोज क्या नया चैलेंज आएगा। मतलब आप पुलिस बने और किसी दिन आपको एक ऐसे बंदे को पकड़ना जो शायद ड्रग्स छिपा के बैठा है, तो कभी किसी ऐसे को जो कि ATM ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, कभी तो पूरी गैंग ही आ गई है जो कि एक स्टोर को लूट रही है। तो रोज नए चैलेंजेस हैं एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्क्रिप्टेड हो। अगर पुलिस बनके आप गैंग वालों से पंगे ले रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप जीतोगे या वो जीतेंगे, ये सब आपके स्किल एंड लक पे डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी हैं, एक से बोर हो जाओगे दूसरे में चले जाओगे, वरना फैमिली स्टार्ट कर लोगे अपनी। और इसके डेवलपर्स भी रेगुलर बेसिस पे नए रियलिस्टिक फीचर्स डालते रहते हैं, लाइक आप शादी तक कर सकते हो। तो इसीलिए इस पॉइंट में तो ग्रैंड आरपी बेटर निकल कर आता है देन GTA ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ग्रीफिंग का। एंड भाई ये आजकल के ऑनलाइन गेम्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब एक बंदा अपना आराम से गेम खेल रहा है, लेकिन दूसरा आकर फालतू में उसे मार देगा। एंड सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब एक मिशन पे होते हैं हम लोग और कोई 12 साल का बमचा आकर उड़ा देता है। मतलब ये जो सप्लाईज इतने सारे पैसे खर्च करके खरीदी थी और अब उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बिल्कुल पानी हो गई है। एंड इवन हम उन सप्लाईज को एक मैप के कोने से दूसरी जगह पर ले जा रहे थे, वो भी ट्रक से जो कि चलता भी स्लो है। भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब सारी मेहनत बर्बाद होती है। अब गेस करो कि वो बमचे कौन सा व्हीकल यूज कर देंगे, ऑपरेसर मार्क 2, जो कि मिलता है GTA ऑनलाइन में। एंड ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, जो लोग GTA ऑनलाइन रेगुलरली खेलते हैं वो जानते हैं कि न जाने कितनी बार आपको या तो दूसरे प्लेयर्स फालतू में मार के चले जाते हैं, या कभी कोई मॉड से गेम में अजीब हरकत कर रहा होता है, कभी कभी तो गेम की चैट में स्पैमिंग हो रही होती है। ये प्रॉब्लम ग्रैंड आरपी में काफी कम है, मतलब थोड़ी है बट बहुत कम है एज कम्पेयर टू GTA ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ एडमिन बैठे होते हैं जो प्लेयर्स पे नजर रखते हैं, ग्रीफर्स को बैन करते रहते हैं। इवन इनका एंटी चीट सिस्टम भी एडवांस है, जिससे ये चीटर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इससे पहले कि चीटर ज्यादा लोगों को परेशान करे, इनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा एंड इन पे ऐसे तरीके हैं जिससे वो प्लेयर दूसरा अकाउंट बनाकर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब इन रियलिटी ये सब तरीके तब काम नहीं करते जब आप सड़क के बीच में चल रहे हो एंड कोई बंदा गाड़ी से आपको उड़ा दे। पर ओवरऑल इनका सिस्टम बहुत बेटर है एंड कम्युनिटी काफी डिसिप्लिन्ड है इन कंपैरिजन टू GTA ऑनलाइन, जहां बैन जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। एंड ऐसा लगता है कि रॉकस्टार भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे इन चीटर्स को रोकने के लिए। दो उसने कॉन्ट्रैक्ट अपडेट के साथ फीचर डाला था कि अब आप ऑटो लॉक नहीं कर सकते ऑपरेशन मार्क 2 से किसी व्हीकल पर उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब बात आते हैं कंक्लूजन की कि आखिरकार कौन सा बेटर है फिर। तो ग्रैंड आरपी रियलिस्टिक है, फ्रीडम है, ट्रू मल्टीप्लेयर है एंड आप नए दोस्त बना सकते हो, पर इसमें बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है एंड आपको इसकी जॉब्स भी थोड़ी सी रिपीटेटिव लग सकती है। साथ ही ये सिर्फ पीसी के लिए, कंसोल्स के लिए नहीं है। उधर GTA ऑनलाइन में ग्रीफिंग काफी ज्यादा है, कोई नए लोग ज्यादा मिलते नहीं है और एक पॉइंट के बाद रिपीटेटिव और बोरिंग हो जाता है काफी, पर वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है एंड उसके बेसिक मिशंस बेटर है, साथ ही कम ग्राइंड भी है थोड़ा सा। तो आपने सुन ही लिया, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो। ग्रैंड आरपी अगर आपको खेलना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
ऑप्शन जहाँ जाकर फ्री में अकाउंट बना और खेलना स्टार्ट करो। ताकि ग्रैंड आरपी में अगर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो ना एंड बेसिक लेवल्स के ऊपर आ जाओ फिर असली मजा शुरू होता है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसमें। वैसे इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मिस हुए होंगे तो कमेंट्स में लिख दो, उनको मैं सेकंड पार्ट में कवर कर लूंगा अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स हो जाते हैं तो।